हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे आओ, आगे आगे आगे। अरे ओ ब्रो कप्पू। देवर जी। क्या हुआ? वो महाभारत वाले आने वाले थे, आ गए वो? वो कैसे आएंगे? उनके रथ तो यहाँ घूम रहे हैं। अरे वाह, रथ आ गए। लेकिन महाभारत वाले क्यों नहीं आए अभी तक कप्पू? क्या बोली? मैं बोली रथ आ गए। अरे वो भी हमें रथी बोल रही है, जैसे ये बोल रहे थे। अब देखो, अगर दो लोग हमें रथ बोल रहे हैं तो हो ना हो हम रथ जैसे दिख रहे हैं। सही बोली। हे कप्पू, मैं ना तेल बिल गरम करके रखी है, महाभारत वाले जैसे आएंगे ना, सबसे पहले मैं उनका मसाज करेगी। ओए, वो तेरी मसाज कराने नहीं आ रहे? हाँ, मसाज कराने नहीं आ रहे, सबसे पहले आके तो हमारी भैंसिया का दूध पिएंगे वो। कोई किसी को कुछ नहीं पिलाएगा, महाभारत वालों को सिर्फ चंदू अपने हाथ की बनी चाय पिलाएगा। हाथ तेरे बड़े मुमताज जैसे ना। कप्पू शर्मा, इधर यार, महाभारत वाले लोग आ रहे हैं, तुम मुमताज को लेकर बैठ गए हो। और यार मेरा बड़ा प्यार है उनके साथ, देखना जब वो आएंगे मैं उनसे पूछूंगा कैसे हैं आप। अब वो बोलेंगे हम तो जैसे भी हैं, तुम इस शो में कैसे हो? फिर मैं उनको बोल दूंगा, वैसे तो मैं इधर कॉमेडी करता हूँ लेकिन अंदर से मैं योद्धा हूँ। कप्पू, तेरे इस योद्धा का ना पौधा उखाड़ देगी मैं, पता नहीं। खबरदार, अगर मेरे पौधों की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा नहीं तो आप सबके गमले तोड़ दूंगा मैं इधर। अबे तू हाथ लगा के तो दिखा। ओए ओए खंडरों की खाला, जाओ जाकर अपने लिए कोई राक्षस ढूंढो। अबे ओ चीटियों के चमनप्राश, ज्यादा इधर ताकत दिखाई ना, तेरे बॉडी में से सारा जिंक निकाल लेगी मैं, और फिर नाचेगी जिंक 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 जिंक। ओ मेरी बात सुनो, क्यों लड़ रहे हैं हम? जो मेहमान होता है ना वो भगवान के समान होता है। मेहमान के समान पे नजर है इसकी, मेहमान के समान पे नजर है, हाथ चुरा के उठ भागेगा ये पक्का। अच्छा, खुद से भागा नहीं जाता, औरों के भागने से इसको प्रॉब्लम रहती है। ओ भाई मेरी बात सुनो, तुम थोड़ा सा रेंगना शुरू करो, हो सकता है तुम भी भागना शुरू हो जाओ। सही कह रहे हो गंदे देवर जी। हेलो हेलो गाइस। अच्छा मैं क्या बोलूं, जब तक महाभारत वाले लोग नहीं आते मैं उनके लिए रंगोली बना लेती हूँ। तू रंगोली छोड़, तू अपना करियर बना। हाँ, तेरी जवानी निकलने में आधा घंटा ही बचा बस। जवानी भले आधे घंटे में निकल जाए लेकिन हसरत जिंदगी भर नहीं निकलेगी कप्पू शर्मा। ये देख ली इनकी परफॉर्मेंस, मैं तो कहता सोनी टीवी से स्टे ऑर्डर ले लो। कप्पू शर्मा, अपने दोस्त को गिरवी रख के कोई बैंक से 100-150 का लोन क्यों नहीं ले लेते यार? ओए हाथी मेरे साथी। मेरी बात सुनो, जैसा तुम परफॉर्म कर रहे हो जाकर चिड़ियाघर में परफॉर्म करो। हाँ। मेरी बड़ी जान पहचान है उधर, तुम कहो तो मैं बात कर देता हूँ। जैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं ना चिड़ियाघर वाले, इसके साथ आपकी जान पहचान होगी क्योंकि चैनल वाले तो आपको अंदर घुसने नहीं देते होंगे। इतनी बेइज्जती हो वाले प्राणी के साथ मैं नहीं खड़ा रह सकता। सही है। ओए नहीं, चैनल की तो तुम बात ही ना करो। कप्पू शर्मा बताओ इनको चैनल मेरे कैसे जलवे हैं? जलवे तो बड़े हैं इसके, मतलब सोनी चैनल ने लगातार 4 दिन पीटा लेकिन मेरा यार एक सेकंड के लिए बेहोश नहीं हुआ। और तारीफ वाले बताओ कप्पू शर्मा, तारीफ वाले बताओ। तारीफ वाला काम भी करो ना पहले। तो तुम तारीफ वाला करने दोगे तो मैं करूंगा। अरे जितना तू इधर चिल्ला रहे ना, अगर हाथ में कटोरा रख के सिग्नल पे चिल्लाया होता ना अभी तक 150 रुपए का गल्ला हो जाता तेरा। तुम कटोरा पकड़ो भी ना, बस वैसे ऐसे कर दो, तुम्हारा 301 रुपया पक्का है। इतनी बेइज्जती वाली औरत के साथ मैं नहीं खड़ा हो सकता अभी। लेकिन देखा आपने अर्चना जी, दोनों पूरा दिन काम करके भी 450 से ज्यादा कमा नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पर आते ही सबसे पहले 1000-1000 रुपए का नाश्ता ऑर्डर करते हैं ये दोनों। ये कप्पू तेरे इतने दोस्त है, अगर एक दोस्त कम हो जाए तो कोई टेंशन नहीं ना तेरे को ना। हे भगवान मेरे को माफ करना, आज समय से पहले एक बंदा तेरे पास भेज रही हूँ और इसकी आत्मा का जो करना है तू करना तेरी। ओए एक मिनट, तुम लोग अपना नाटक बंद करो, मुझे मेहमानों का वेलकम करना है, निकलो यहाँ से। नहीं कप्पू, अब वक्त आया कि हम सब तुम्हारे
तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले चलेंगे, तुम्हारे भार को थोड़ा सा हल्का करे। अच्छा। यार दे, मानेगी नहीं, दोस्त बुला लो हम पे ट्रस्ट करो यार, हम भी अच्छा वेलकम करेंगे। हाँ कप्पू बुला ले, तेरे कपड़े मेरे को ठीक नहीं लग रहे। कोई बात नहीं, मैंने उनको कहना मैंने रेंट पे लिए हैं बस। तो दोस्तों आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं महाभारत के वीर योद्धाओं का, अर्जुन जी, युधिष्ठिर, गजेंद्र चौहान जी, दुर्योधन, पुनीत सर जी और शकुनी मामा गुफी पेंटल साहब। सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर मैंने आपके लिए एक बोली भी तैयार की है। कादू बारी पर सी खटन गया सी कटके ले अंते ताले, बारी पर सी खटन गया सी कटके ले अंते ताले, साटे खराए महाभारत वाले साटे खराए, महाभारत वाले साटे खराए, महाभारत वाले तीर तीर बाले बाले, जितु जितु जय हो जय हो जय हो जय हो। भाभी थक गई, इधर आओ। वो महाभारत से आए, फगवाड़े से नहीं आए। बोली बोली तीर क्या कर रही है? तो मुझे भी पता था, मैंने भी देखे हुए थे। सही बोला कभी। सर मैं आप लोग की बहुत बड़ी फैन है। मेरा ना उधर पार्लर है, आइए ना मैं आप लोग का मसाज करेगी। पार्लर में कुछ नहीं रखा है, आप ना हमारे तबेले की ओर प्रस्थान कीजिए। हमारी भैंसी आपको देखकर बहुत प्रसन्न होगी, गदगदा जाएगी। ये बचपन से गदगदाए हुए है सर, इसको इसलिए हर चीज गदगदाई हुई लगती है। आप सर मेरे ढाबे पे आइए, देखिए टमाटर आपके इंतजार में लाल हुए पड़े हैं, अदरक लहसुन ने एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, क्योंकि उनको पता है महाभारत वालों ने उनका तड़का खाना है। आइए सर प्लीज। सर 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 इसकी दाल ना इससे भी ज्यादा बासी है, मैं आप सबके लिए ना पकोड़े तल के लाती हूँ। गरम गरम तू पकोड़े बना, तेरी चटनी मैं बनाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। पूरी की किसी ने चटनी उसे धोए बिना बनाई तो ये बहुत बास मारती है, धोके बनाना। दीदी मेरे साथ हूँ या इसके साथ? पगली मैं सोनी टीवी के साथ हूँ, मुझे जो पैसा देगा मैं उसी के साथ हो जाती हूँ। मैं तो आप लोगों को देख के दंग ही रह गई, आप तो सच्ची मुच्ची इतने ऊंचे लंबे चौड़े हो, अब तो महाभारत खत्म होगी, अब तो छोटे हो जाओ। सर आपने कुरुक्षेत्र में इतने बड़ा युद्ध लड़ा, एक आध भाला हो तो निकाल के मारो ना सबको। मारो बारी बरसी खटन बारी बरसी, अगर उनका खटन गया सी ना तो खटके आंधे भाले अंदर डाले भाले। चलो चलो लेडीज के भी मार देते हैं। अरे मार देते हैं, कोई भरोसा नहीं है। चलो 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 भाई चलो 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 अंदर जाके। जोरदार तालियां एक बार, आइए सर प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। यहाँ पर आए हुए समस्त गुणवान लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत तुमने पहले कर दिया था, पैसे लेने भूल गई थी शायद। कपूर शर्मा हम यहाँ पैसे नहीं लेकिन इन वीर योद्धाओं में से अपना वर चुनने आए। वाह वर चुनने आए हैं, और कागज और लिफाफे चुनने बंद कर दिया आपने। ये हार बेचो 10 रुपए का, शाम का मदिरा पान का इंतजाम करे चले। तुझे पता तेरे से बड़े महाभारत में कुंडल पहनते थे ये। वर चुनने आ गई है। जो भी हो कपू शर्मा देखो आज तो हम यहाँ शादी करने आए हैं, सो करके जाएंगे। अच्छा वैसे सर मैं आपको बताऊं महाभारत से ना हमने बहुत कुछ सीखा है। और आपकी तो बड़ी फैन है सर, अब मटर पनीर भी खाती ना तो उसमें से पनीर के टुकड़े निकाल के ये रहा छे। और उसके बाद इसके पिताजी आते हैं चपाती लेके एक पीस उठा लेते, कहते अब हो गया 5। कपूर शर्मा भरी सभा में आप हमारा अपमान कर रहे हैं। तो क्या आपको 11 रुपए शॉल देके सम्मानित कर रहे हैं हम? चली जाए इससे पहले अर्जुन जी तेरी आंख में तीर मार दें। आप दिखने में भी पॉम्फ्रेट लग रही है। Oh my God. तीर तो वो तब चलाएंगे ना जब तुम अपने शब्दों का बाण चलाना बंद करोगे। क्या बात है। वैसे सर हम भी ना एक वीर योद्धाओं के घराने से हैं, हमारे दादाजी तो औरंगजेब से लड़ते हुए शहीद हुए थे। पूरी बात बताना, आधी बात मत बताया कर, ये बता कैसे शहीद हुए थे? औरंगजेब की जेब काटते हुए पकड़े गए थे। उनको कैसे पता लगा औरंगजेब की जेब कट रही है? औरंगजेब की पिछली जेब में हाथ डाला, जेब थी फटी। और दादाजी के हाथ थे ठंडे।
महीना था दिसंबर का। औरंगजेब ने इसी गुस्से में इसके दादा ठंडे कर दिए। वैसे वर्ड चुनने से पहले मैं आप सबका एक छोटा सा एक परीक्षा लेना चाहूंगी। परीक्षा छोड़, तू रिक्शा कर। और चलो, तुझे उनका कोई मन है कोई नंबर का? जबरदस्ती मैं आपकी परीक्षा लेनी चाहती हूँ, जा यार। मेरे लिए कोई परीक्षा देने के लिए तैयार है, मुझे अपनाने के लिए कोई? हम हैं। वाह, हम हैं यहाँ पर आए हुए वीर योद्धाओं को और रेणु जी को इस वीर योद्धा का छत छत प्रणाम। वाह, आपके आगमन से हमारे शो को चार चांद लग गए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। पिछले हफ्ते हमारे शो में ना आशुतोष राणा जी आए थे, इसने जाके उनके ड्राइवर को यहाँ काट लिया, इसीलिए इसकी हिंदी अच्छी निकल रही है आज। अगर किसी को काटने से भाषा अच्छी हो सकती है तो आप अपने इंग्लिश अच्छी करने के लिए शशि थरूर के ड्राइवर को क्यों नहीं काट लेते? हम आपको ये बता दें कि हम कोई लल्लू पंजू राजा नहीं, हम गोदा राज के, कौन से? गोदा वंश के राजकुमार चंडपत्रु हैं। महाराज, और ऐसे कपड़े, आप राजा कम किसी लुटी हुई रियासत के बावर्ची ज्यादा लग रहे हैं। खैर, तुम जैसे भी हो हमें पसंद है। ये बताओ, तुम्हें पाने के लिए हम कौन सी परीक्षा दें? तुम परीक्षा छोड़ो, रिक्शे में बैठो और भिक्षा मांगो। ये बात तो कपू शर्मा पहले बोल चुका है। हाँ तो कपू की बोली हुई बात अच्छी तो होती है, ऐसे थोड़ी ना सोनी इतने पैसे देता है उसको। उसकी बातें बोल बोल कर उसके पैसे ना कम करवा देना। खैर, किसी के पैसे पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं, हम बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक हैं। कौन सा साम्राज्य? पुनीत सर, ये महाराज फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं। तो सोचो फिर, जिसको सरकार ने सर ढकने के लिए फ्लाईओवर बना कर दिया है वो कितना बड़ा आदमी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चारों तरफ हमारे ही चर्चे हैं। हम तुम्हारे चर्चे बाद में सुनेंगे, पहले तो मुझे तेरी ना कॉस्ट्यूम नहीं समझ आई। महाराज, ऊपर तूने रोटियां गर्म करने वाला चिक्कू रखा है, नीचे पजामा तू दादाजी का पहना है। पूरा पश्चिम की बातें, पहले ये बता पूरा पश्चिम है कहाँ? ओ भाई साहब, पूरा पूर्व में होता है, पश्चिम पश्चिम में होता है। वो तो पता है, हाथ से बता कि कहाँ है पूर्व, कहाँ है दक्षिण, ये सब पता। छोटी छोटी बातों के लिए हम हाथ नहीं उठाते। और राजकुमारी, हम आपको यह बता दें कि अगर आप हथेली पर दिया लेकर भी ढूंढे, हम जैसा राजकुमार नहीं ढूंढ पाएंगी। दिया छोड़ो, हमने अगर तलवार उठा ली आप दुनिया में नहीं मिलोगे। बस यही तुम्हारी बात पे बात करना हमें पटने पर मजबूर करता है। यह बताओ कि हम अपने माता पिता को तुम्हारे माता पिता के घर गाली गलौज के लिए कब भेजें? गाली गलौज नहीं, बातचीत के लिए मिलते हैं। नहीं, लेकिन हमें हमारे माता पिता का पता है। वो तुम्हें देखते ही गाली गलौज पर उतर आएंगे। वो बोलेंगे ये दो लोगों ने मिलकर क्या पैदा किया है। अपने आप को देखा है, हमारे राज्य में ऐसा शक्ल होना अपशगुन माना जाता है। बस बात हो गया, इस दुस्साहस का तुम्हें दंड दिया जाएगा। 250 रुपए निकालो। ऐसे ही ये सारा महीना ना घर चलाने के लिए लोगों को दंड देते के 250 लेता ही। कपू शर्मा, शायद तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। नहीं है। अभी बीच रास्ते में हमारा रथ खराब हो गया था। अच्छा। किसी से हेल्प नहीं मांगी। हाँ। इन कंधों पे हम उठा कर लाए रथ को। पूरी बात बताना, रथ की चैन उतर गई थी। ये उसी रथ पे सुबह अखबार भी फेंकता है। आपको पता है सोनी चैनल की आधी GDP तो इसकी वजह से गिरी हुई है। ये बात है तो बस पीछे हट जाओ फिर। यहाँ पे आज चंदू भरी सभा में ये शपथ लेता है। हाँ। कि अगर सोनी की GDP 1 महीने में मैंने नहीं उठाई। और पहले पजामा उठा अपना, GDP उठा रहा।
अभी और थोड़ा नीचे गिर जाता सारा सेंसेक्स दिख जाता। और तुम अपने होने वाले पति पर हंस रही हो? चलो यहाँ से चलो रोक जाओ रोक जाओ। अच्छा तुम कौन हो तुम सांडों के मदाकनी? तीर मैंने उल्टा करके मार रहा तुम्हारे। गंदी चाय से भी ज्यादा गंदे इंसान। अगर हमारी साली को नैन उठा के भी अगर तुमने देखा ना तो तुम्हारे नैन नक्श हम बदल देंगे। जीजू ये चंदू ना मुझे शादी के लिए विवश कर रहा था। ए ढाबा पुत्र चंदू। तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये हमारी साली जिसके पास एक मच्छर भी नहीं आता उसके पास तुम कैसे आ गए? ये लो। ओ यहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही, मेरा क्या हाल करेंगे? ओ हमारी सल्तनत तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो। सल्तनत? सर सुना आपने, सल्तनत की बात की है इन्होंने, इनके सल्तनत के बारे में पता है आपको? फुटपाथिया सल्तनत के राजा हैं ये। कल तो कुत्तों से कह रहे थे कि खबरदार अगर हमारी सल्तनत की मीनारों को गीला किया तो ये हमारा शयन कक्ष है। अपना भी तो बताओ ना, तबेलिया सल्तनत के मालिक हैं ये, प्रजा के नाम पर भैंसे पाल रखी हैं इन्होंने। तो इसमें क्या बुरी बात है, क्या बुरी बात है? गुफी जी, गुफी जी आप ही हमको बताइए, जैसे जुझारू राजा होते हैं वैसे हम दुधारू राजा हैं, व्हाट अ प्रॉब्लम। और खाक दुधारू राजा हैं सर ये, मैं बताता हूँ आपको, चारा ये भैंसों से ज्यादा खा जाते हैं, दूध एक लीटर भी दिन देते ये। वाह कितनी बड़ी बात की है आपने, अब हम जितना चारा खाते हैं ना उसे दुगना चारा हम आपको खिलाएंगे, आप आधा लीटर दूध दे के दिखाइए। अरे आधा लीटर छोड़ो, 250 ग्राम दूध दे दो। अबे 100 ग्राम दे दे बे। अब तुम्हारे ना विलुप्त होने का समय आ गया, हमारा गधा कहाँ है, गधा कहाँ है हमारा? जीजू हाँ गधा ही तो राजकुमार बन के आया है। और मेरी बात सुनो, हम भी वीर घराने से हैं और हम लोहा लेते हैं। सिर्फ लोहा क्यों लेते हो, रद्दी भी लो, पुराने अखबार भी लो, फटे हुए जूते भी लो, कबाड़ी खानदान के राजा बनो, उसके बाद ये बूरी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार रहेगी। जीजू आप मुझे कबाड़ वाले को दे रहे? अरे तुम्हें क्या लगता है इतनी सफलता प्राप्त करने के बाद ये तुच्छ इंसान तुम्हारी ओर देखेगा भी? ये चंदपत्रु ढाबा पुत्र तुमसे विवाह करने के लिए तैयार है, चलो बूरी। ओए सुनो मेरी बात ढाबा पुत्र, इस अपने तंदूर पुत्र को भी लो साथ में और दोनों निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, चलो। जीजू पर हमारी शादी, तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आज यहाँ पर तुम्हारा स्वयंवर होगा। स्वयंवर की शर्त है कि मछली की आंख, मैं तीर मारना है ना मैं मार दूंगा, मैंने वहां पर देखी मैं मार दूंगा। नहीं 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 नहीं, मछली की आंख में जो मोतिया बिंद हुआ है ना उसे ठीक करना, अगर ठीक हो गई तो फिर मछली फ्राई होगी, और अगर ठीक नहीं कर पाए तो तुम फ्राई होगे। ये कैसे स्वयंवर है, बहुत हो चुका मेरा अपमान, नहीं करनी मुझे शादी, हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? ए सर ये सब खाली बहाने हैं, इसको पता चला है पीछे मछली आई है इसके लिए दौड़ के गई है, बंगालन है ना मछली नहीं छोड़ती है। ए, मेरी बात सुनो, मछली तैयार रखो मैं पराठे लेकर आता हूँ। लीजिए ये पंजाबी पराठे खाने निकल गया, अब इतना कुछ बनी रहा है तो भाई सुनो दाल बाटी भी बना दो, मारवाड़ी भी आ रहा है, चलते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।